और क्या है पर्यटन मंत्रालय की इस खास पहल में, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार पिछले करीब 10 साल से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करती रही है। इसी कड़ी में पर्यटन मंत्रालय ने कुछ महीनों पहले देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 पहल की शुरुआत की थी। इसके जरिए लोग अपने राज्य में अपने सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों को चुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च को श्रीनगर में इस पहल का उद्घाटन किया था। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। यह जन भागीदारी से निर्णय होगा। पर्यटन मंत्रालय ने इस राष्ट्रव्यापी पहल को शुरू किया था। इसके लिए मंत्रालय ने लोगों के पसंदीदा पर्यटक स्थलों के बारे में जानने के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा शुरू की थी। इसका उद्देश्य नागरिकों के साथ जुड़कर सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों की पहचान करना है, ताकि उन्हें मिशन मोड में विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सके। वोटिंग के परिणामों के आधार पर प्रमुख हितधारकों से पर्याप्त समर्थन और निवेश हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके लिए मतदान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय इसमें वोट करने वाले लोगों को एक खास पर्यटन स्थल की यात्रा जीतने का मौका भी दे रहा है। इस पहल के जरिए पर्यटन मंत्रालय सांस्कृतिक स्थलों और परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा देना चाहता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए लंबे समय तक उनका अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। मतदान के लिए पर्यटन स्थलों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियां हैं आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं विरासत, प्रकृति एवं वन्य जीवन, साहसिक और अन्य। ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर पर्यटन स्थलों को लेकर लोगों की धारणाओं को समझने की कोशिश की जाएगी। 4 मुख्य पर्यटन श्रेणियों के अलावा अन्य श्रेणी वो है जहां कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पसंदीदा स्थल के लिए वोट कर सकता है। इसके तहत लोग जीवंत सीमावर्ती गांव, वेलनेस टूरिज्म जैसे अनदेखे अहम पर्यटन स्थलों को उजागर करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक समर्पित पोर्टल innovateindia.mygov.in/देखो अपना देश/ पर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए वोट कर सकते हैं। सरकार लोगों से अपने राज्य के सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों के लिए वोट करने की लगातार अपील कर रही है। इससे इन स्थलों की देखरेख के लिए आवश्यक बजट आवंटित करने और आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही पर्यटन मंत्रालय को कम ज्ञात पर्यटक स्थलों को समझने में मदद मिलेगी, जिन्हें अब तक लोकप्रिय रहे पर्यटक स्थलों के अलावा भी लोग देखना पसंद करेंगे। इस पहल के साथ पर्यटन मंत्रालय 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में भारत की विकास यात्रा में मदद कर रहा है। आप भी आने वाले 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए वोटिंग करके इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News।